अब यहां पे लिखा यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? एक कब्र के सामने में है। अब कब्र के सामने में प्रभु यीशु मसीह थोड़ी ना घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे। मेरे बताने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मेरे बताने का मतलब यह है कि हम प्रार्थना किस स्थिति में करते हैं या कौन सी मुद्रा में करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात आप घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा, ऐसा नहीं है। आप घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं या खड़े होकर प्रार्थना करते हैं या कुर्सी में बैठ के प्रार्थना करते हैं या पलंग में पालती मार करके बैठ करके प्रार्थना करते हैं या आप घूम घूम करके प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु प्रार्थना के लिए हृदय की स्थिति महत्वपूर्ण होती है मेरे प्रियो। अगर आपके हृदय के अंदर में विश्वास है और आप दिल की गहराई के साथ में और विश्वास के साथ में अगर आप खुदा से मांगते हो और ऐसे चलते चलते भी अगर मांगते हो तो परमेश्वर उसी वक्त मिरेकल दिखा देगा, उसी वक्त परमेश्वर मिरेकल दिखा देगा। आपका प्रार्थना का प्रकार महत्व नहीं रखता, मुद्रा महत्व नहीं रखती, आपका हृदय का स्थिति महत्व रखता है परमेश्वर के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप कैसे भी प्रार्थना करो लेकिन क्या आप विश्वास से कर, आपके हृदय में विश्वास है? हाँ, क्या आप दिल की गहराई से बड़ी गंभीरता के साथ में कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप गवाही देकर उसकी महिमा करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद में क्या लिखा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर हटाने के बाद ये सब होता है। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इसके पहले कि प्रभु कुछ मांगे, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कुछ मांगे, आप सोचो ना स्थिति, परिस्थिति क्या है। लाजर मर गया है, 4 दिन हो गए कब्र में है। मार्था दुखी है, रो रही है, मरियम दुखी है, रो रही है, यहूदी लोग रो रहे हैं, हाँ, और यीशु मसीह भी उदास मन में व्याकुल हैं और वो भी रो रहे हैं, हाँ, लेकिन उसी स्थिति और परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे हैं? परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों में और फिलिपियों की पत्री में स्पष्ट लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हर बात में का मतलब क्या है? अगर आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। आपकी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करो। आप रो रहे हैं तो भी धन्यवाद दो, आप दुखी हैं तो भी धन्यवाद दो, घर में खाने को नहीं है तो भी धन्यवाद दो, पहनने को कपड़े नहीं है तो भी धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? क्योंकि धन्यवाद जब आप ते हो ना तभी मिरेकल खुलता है, तभी मिरेकल रिलीज होता है। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अच्छे तरीके से जानते थे कि परमेश्वर से आश्चर्य कर्मों को कैसे रिसीव करना है। इसलिए इसके पहले कि वो लाजर के लिए कुछ प्रार्थना करे, दुख की परिस्थिति में भी वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर धन्यवाद। दुख की परिस्थिति में भी जब रो रहे हैं और यहां प्रभु यीशु मसीह महिमा कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे हंसी खुशी में तो धन्यवाद देना बहुत आसान हो जाता है, कभी रो करके धन्यवाद दे करके देखना, कभी 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 दुख में और गलत और बुरी परिस्थितियों में कभी परमेश्वर की महिमा करके देखना, तो आप देखना अपने जीवन में एक बड़े मिरेकल को। सब बातों में धन्यवाद दो। जानते हो क्या लिखा है? फिर फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, जब आप हर बुरी पर, चाहे अच्छी हो बुरी हो, चलो बुरी परिस्थिति है, आंसुओं की परिस्थिति है, दुख की परिस्थिति है, और उसमें भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, तब लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति आनंद जो तुम्हारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय में आएगी, तुम्हारे हृदय में आएगी। और आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, एक बीमार एक व्यक्ति है जिसके शरीर में दर्द है और भयंकर दर्द हो रहा है, ये हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, वो दर्द तड़प रहा है और फिर बोलता है धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, समझ रहे हो? तो आप धन्यवाद दे रहे तो क्या आएगा? एक शांति आएगी, एक आनंद आएगा, लेकिन दर्द बना रहेगा, अशांति। ऐसा होगा क्या? शांति और आनंद जो समझ से परे वो तुम्हारे अंदर में आएगी। कब मालूम है? आप धन्यवाद देते रहोगे, आपका हाथ चंगा हो जाएगा, आपका हृदय शांत हो जाएगा, आपका हृदय में आनंद आ जाएगा। अर्थात जो आपके दुख का कारण है ना, उसको प्रभु दूर करेगा और आपको आनंद से भरेगा, आशीष देकर वो आपको आनंद से भरेगा। धन्यवाद देना हर परिस्थिति में।